नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा प्रवास पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। मंत्री तोमर सुबह 8 बजे रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा आए थे। इसके बाद मंत्री तोमर जन चौपाल में शामिल हुए। रीवा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर्किट हाउस में पत्रकारों ने जब मंत्री से बिजली कटौती से संबंधित अन्य कई गंभीर मुद्दों पर सवाल किया तो मंत्री ने जवाब दिया कि हम किसानों को 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराएंगे। अटल ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी और अगर इसमें कोई शिकायत मिलेगी तो जनता विश्वास रखे, लापरवाही को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि जन चौपाल में जो भी समस्या आएंगे उनका निवारण किया जाएगा और पूरा निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री ने दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी और विभागीय कर्मचारियों से मुलाकात भी की जाएगी। जानकारी यह है कि मंत्री तोमर शाम 4 बजे पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से भी मुलाकात करेंगे। ऊर्जा मंत्री शाम 6 बजे अतरेला कुटवा सब स्टेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद रात 8 बजे रीवा से सतना के लिए सड़क मार्ग से प्रस्थान करेंगे। सर, रूरल बेल्ट में पावर कट का बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए क्या प्रस्तावित योजना है, कैसे इन चीज़ों से रिलीफ मिल पाएगा, किसानों को बहुत समस्या होगी। देखिए, हम 10 घंटे बिजली किसानों को निर्बाध रूप से देंगे और अटल ज्योति के तहत हम ग्रामीण फीडरों पे जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, बसाटे हैं, उन पर 24 घंटे बिजली देंगे। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो विश्वास रखिए उस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और यही मनसा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है और हमारे पूरे संगठन की है और उसी के तहत मैं यहां आया हूं। आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कर्मचारी जिसका हाथ यहां कट गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीफ की बात नहीं। मैं आपसे कहा कि वो व्यक्ति, अभी मैंने ये जन चौपाल लगाई है, जन चौपाल में जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास पूरा होगा और समाधान करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक डी ऑफिस में, बिजली विभाग के ऑफिस में धरने में बैठे थे, लंबे समय तक बैठे थे, इतना संतोष पार्टी विधायक का? देखिए, चुनकर जनप्रतिनिधि जो आता है उस जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम के लिए बात करे और पूरी दृढ़ता के साथ, यही हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम जनसेवक हैं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, इसलिए जनता की सेवा के लिए हम काम हमेशा करते रहेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर बना के लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कांग्रेस बिजली को बड़ा मुद्दा बना? कांग्रेस, ये पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि उनका पहले प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है कि नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है कि उनके यहाँ टिकटों की लड़ाई है, उस बात के लिए वहाँ सिर्फ अपने को एक पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन है। अगर उन्हें विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जा करके जनता की आवाज़ सकारात्मक सोच के साथ, जनता के मुद्दे, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, उन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली को बिजली देता है रीवा, यहाँ की जनता को कम सस्ती कीमत पर बिजली कैसे मिल पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है कि जिस प्रदेश में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, 16,000 करोड़ किसानों को दे रहे हैं और 5,000 करोड़ लगभग घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली।